पिछले साल भी हज एक सलामती हज हुआ था, इस दफ़ा हमारी क्या तैयारियां हैं, हज होगा या नहीं होगा, हम इसका इंतज़ार कर रही है, क्या फरमाएंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हज के हवाले से जिस तरह मीडिया के लोगों को एक तशवीश है, पब्लिक को एक तशवीश है, पाकिस्तानी अवाम का हज और उम्रे में एक बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा है और बहुत बड़ा सबका इश्तियाक रहता है, तो हम मुसलसल रबते में हैं सऊदी हुकाम के साथ, सऊदी वजारत हज उम्रा के साथ, और फ़िलहाल उन्होंने कोई हतमी फैसला नहीं किया है, लेकिन लगता है वो पिछले साल की तरह तो नहीं, उससे थोड़ा सा तादाद ज़्यादा करेंगे। रेगुलर हज शायद न हो जाए जो कि हर साल होता है, लेकिन पिछले साल तो बहुत ही महदूद तादाद थी, इस दफ़ा तादाद को शायद बढ़ाएंगे। तो पाकिस्तानी हाजियों को किस तरह आप अकोमोडेट करेंगे, किस तनासब से दरखास्तें लेंगे, आज की तैयारियाँ हमारी क्या हैं, क्योंकि टाइम तो गुजरता जा रहा है। उन्होंने हमें अभी तक कहा है कि हम जब तक आपको क्लियर पोजीशन नहीं बताते तो आप इस हवाले से कोई इस तरह की तैयारी न करें, तो जब तक हमारा उनके साथ एक प्रॉपर MOU साइन नहीं होता और उनकी तरफ से क्लेरिफिकेशन नहीं आती, तो हम एप्लीकेशन लेने या हज के बारे में कोई तादाद का ऐलान करने की पोजीशन नहीं होती है। सर, प्राइवेट जो फ्लाइट्स हैं और PAE इनसे कोई बातचीत चल रही है? नहीं, कोई नहीं, क्योंकि जब तक तादाद हमारे सामने नहीं आता तो उस हिसाब से फिर सऊदी एयरलाइंस का, PAE का या कोई और एयरलाइंस अगर दिलचस्पी लेते हैं तो उनको कोटा दिया जाता है, इस वजह से। और तादाद सामने आता है MOU के बाद, जो कि अभी तक हमारा जो रेगुलर और अगर ऑन टाइम MOU साइन होना था तो नवंबर के आखिरी हफ्ते होना चाहिए था, अब दिसंबर भी चला गया, जनवरी भी ख़त्म, फरवरी है, तो जब तक वो नहीं होता हम कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते। सर, हमने देखा है कि बेदौला का भी बड़ा अफाहम तफरी से काम लेते हैं और कोशिश करते हैं सर उनको ऑन बोर्ड में, लेकिन मदारस के हवाले से देखें, इसको मौलाना साहब को सियासी रंग देने की ज़रूर कोशिश करेंगे, वो सियासी आदमी हैं, वो हर चीज़ को सियासत का बीट चढ़ाने का उनको बड़ा शौक़ भी है और काफ़ी तजुर्बा भी है, लेकिन हकीकत यह है कि ये हम समझते हैं कि वो कस्म कुर्सी के हालत में जो देहातों के, कस्बों के, दूर दराज इलाकों के MMA मस्जिद हैं, उनकी हुकूमत की तरफ से कुछ पज़ीराई होनी चाहिए, और इस पर हम वर्क कर रहे हैं। पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में तो काफ़ी काम इस पर हो चुका है, तो इंशाल्लाह ताला इसमें एक सियासी आदमी की बात से ज़्यादा उलमा की बात की अहमियत है और वहाँ पे इस इकदाम को पज़ीराई हासिल है। अच्छा, अब शादी साहब, सियासी माहौल जो है गर्मा गर्मी है और NRO की भी बातें हो रही हैं, अब तो कल से एक नया शोशा, जो शोशा नहीं बल्कि आप तो हकायक सामने आ गए कि वीडियोज़ सामने आई है, तो ये जो हमारी सियासत किस तरफ जा रही है और जो बोलियाँ लगती हैं ये अवामी नुमाइंदे ऐसे होते हैं, आप क्या कहते हैं? इमरान खान ने जो सियासी पेशन गोईयाँ की, जो उनके अपने तजुर्बे पे एक राय दी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रही है, और ओपन वोट के साथ, खुले वोट के साथ, राय दे के साथ सेनेट के इलेक्शन का उसका जो नज़रिया है, और किसी वक्त चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी वालों का भी नज़रिया था, वो कुल पे अब सामने आ रहा है उसके हकायक। बाकी जो सियासी फ़िज़ा है मेरे ख्याल में अब तो ठंडा होता जा रहा है, गर्म होने की बजाय, जिस तरह PDM की गुब्बारे से हवा निकलती जा रही है, लगता है माहौल बेहतर होगा। सर, 16 फरवरी करीब जमात के साथ हुआ था, इंशाल्लाह ताला हम जिस तरह हमारा एक तरीका है इफ़हाम व तफ़हीम का, आगे भी हम इफ़हाम व तफ़हीम से चलेंगे।